Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से एंड देन निफ्टी से. अब काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि फिन निफ्टी भी कवर करो. देखो सीन क्या होता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत सिमिलर है, मूवमेंट बहुत सिमिलर होती है. सो एक मैं कवर कर दूंगा, बेसिकली दोनों कवर हो जाते हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है. मैं फिन निफ्टी का स्पेशली मंडेज को कवर करता हूँ, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी होती है उसकी, तो थोड़ा ठीक रहता है. ठीक है, अब एक बार डेली चार्ट पे आते हैं. सो डेली चार्ट पे आपके सामने एक चीज़ क्लियर है. सबसे पहली चीज़ आपको चीज़ समझनी होगी कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर रिजेक्शन हुआ है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. उसके बाद प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, दो चीज़ें क्लियर है. तो दोनों जो एक्सट्रीम्स थे, अपर एक्सट्रीम के ऊपर फेलियर हुआ, लोअर एक्सट्रीम के नीचे क्लोज हुआ. तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर ये चीज़ हो रही है इधर और वो भी अपने ऑलमोस्ट टॉप के आसपास हो रहा है ये, तो चांसेस ये होती है कि अगर कल के दिन भी मार्केट अगर मान लो फॉर एग्जांपल छोटा मोटा गैप अप करती है और ये जो प्रीवियस डे लो है आपका इस दिन का जो लो है, अगर इसके आसपास से दोबारा से रिजेक्ट करती है और फिर दोबारा नीचे की तरफ ऐसा क्लोज दे देती है, तो उसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए ना मार्केट ने एक टॉप बना दिया है. अब थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देगी, फिर उसके बाद ब्रेक देने की प्लानिंग होगी. ठीक है, इसका मतलब ये एज़ पर डेली चार्ट. अब एक काम करते हैं, एक बार 15 मिनट पे आ जाते हैं. बट इससे पहले एक बार मैं आपको अपना ट्रेड बता देता हूँ. जो आज मेरा ट्रेड का आइडिया था वो क्या था, देखो अगर आप लोगों ने अभी तक जो ए वी वैप वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके देखिए. अब अगर मैं यहाँ पर आपका नॉर्मल वी वैप लगाऊँ तो ये आपका नॉर्मल वी वैप आता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या ट्रेड प्लान था देखो समझो. सबसे पहले ये क्या है, ये है प्रीवियस डे हाई, ये क्या है, ये है प्रीवियस डे क्लोज. ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट्स हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ये मैंने आपको प्लान बताया था. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी RBI वाली आज एक न्यूज़ थी, तो इससे पहले मुझे ट्रेड करना नहीं था, मुझे थोड़ा अवॉइड करना था उस चीज़ को. तो RBI वाली न्यूज़ के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने लोअर हाइज मारना चालू कर दिए. अब इतनी बड़ी कैंडल आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बहुत पुल बैक दे दे फिर नीचे जाए तो मैं शॉर्ट मारूंगा, ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पर मार्केट एकदम से नीचे आ गई, तो आई हैड टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी. अब टॉप पे ग्रीन कैंडल पे मैंने लगा दिया ए वी वैप. आप जाके वीडियो देखिएगा, वो जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपलोड की है, आप जाके देखिए उस वीडियो को, कैसे लगाना है क्या करना है सब मैंने उसमें बता रखा है आपको. यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन आया है. अब इसके दो तीन मैंने यहाँ पर क्यों पोजिशन बनाई मैं आपको बता देता हूँ. देखो सबसे पहले अगर मैं ये टॉप ले लूँ, ये वाला टॉप ले लूँ और ये वाला बॉटम ले लूँ, ये बॉटम, ठीक है, मैंने ये बॉटम ले लिया और ये टॉप ले लिया, क्लियर है. अब पोजीशन मैंने यहाँ बनानी है, ये भी सॉर्टेड है. यहाँ पर ए वी वैप आ रहा है, ठीक है, और 50% जो है वो आपका आ रहा है 18730 के पास, और मार्केट कहाँ से घूम रही है, 18720 से घूम रही है. तो 50% भी इस रेंज का जो मॉर्निंग में जो उसने जो हाई लो बना दिया है इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, और इतनी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है. ठीक है, और मार्केट ने ना इस रेंज पे, ये अगर आप थोड़ा पीछे देखोगे यहाँ पर थोड़ा आपको सपोर्ट दिखेगा, इस रेंज के पास से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया. यहाँ पर बहुत लोगों ने एंट्री मारी होगी और एकदम से इतने सारे लोगों के SL हिट हुए हैं और फिर मार्केट एकदम से दबा के नीचे गिरी है. ठीक है, तो बहुत सिंपल ट्रेड था, थोड़ा वेट एंड वॉच वाला ट्रेड था. तो आप जाके ए वी वैप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स मिलते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब आते हैं हम अपने नॉर्मल एनालिसिस पे. अब देखो सबसे पहली चीज़, अब अपना अगला प्लान क्या होगा वो समझते हैं. सो नाउ सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको. अब आपने ना इस एरिया को चेक करना है, ठीक है, क्लियर है. अब ये एरिया क्या है ध्यान से देखो, 44190 सॉर्टेड है. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई, रिजेक्ट हो गई, तो ऊपर रिजेक्शन हो गया. प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है, मतलब एक्सेप्टेंस हुआ है, सॉर्टेड है. तो अब हमारा जो अगर अब जैसा US मार्केट दिखा रही है 0.5% के करीब अप है, ठीक है, तो अगर मान लो ऐसी रहती है और अपने को गैप अप मिलता है, ठीक है, अपने को गैप अप मिलता है, लेट्स से यहाँ पर मार्केट ऊपर तक जाती है और इस एरिया से रिजेक्ट करती है, मान लो यहाँ खुलती है और रिजेक्ट देती है, इस टाइप की कैंडल बनाती है या ऐसा कुछ बनाती है, कुछ भी इस टाइप से रिजेक्शन देती है, तो आपका एक शॉर्ट ट्रेड होगा और दोबारा से मार्केट इस लेवल को चेक करेगी और उसके बाद इसको चेक करेगी. ठीक है, और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक राउंड नंबर है 44,000 का,
जो कि सपोर्ट देगा। अब कितनी अच्छी सपोर्ट देगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है, ठीक है, क्योंकि ये आज एक बेसिकली ट्रेंड डे हो गया, एक हाई मिल गया अपने को इधर एक लो मिल गया, सॉर्टेड सीन है। अब इसका जो 50% है और ये प्रीवियस डे लो वाला सीन जो है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट है, अगर इसके ऊपर मार्केट फेल होती है तो ये जोन आउट है, इसके अब कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, मार्केट इसके नीचे टूटेगा। जो बेसिकली 44,000 पे जो पुट राइटर्स होते हैं वो एग्जिट मारना चालू कर देंगे, बिकॉज जो नियरेस्ट लास्ट जो सपोर्ट था यहाँ का, ये अब रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि रीटेस्ट भी हो गया है और बेसिकली रीचेक हो गया है, तो रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो कल ट्रेड प्लान रहेगा वो रहेगा आपका इस जोन के पास, ठीक है, यहाँ से मार्केट जाएगी, रिजेक्ट करेगी तो आप सेल करेंगे, सीधा साफ ये है, ठीक है। और अब बाय का क्या बनेगा, बाय का ऐसे बनेगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मैं वेट करूँगा कि मार्केट टिके यहाँ पर और ब्रेकआउट दे, तो मैं बाइंग प्लान करूँगा, पहली बात, ठीक है। अब लेट्स से मार्केट एक बड़ा गैप अप दे देती है और इसके ऊपर खुलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं दोबारा वेट करूँगा और फिर ब्रेकआउट होगा तब मैं बाइंग करूँगा। रीज़न बीइंग कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस क्या है, देखो समझो इस बात को, यहाँ पर ये जोन पे और ये जोन पे, सो बेसिकली 44,320 44,444 ठीक है ना, 44,320 और यहाँ पर 44,190 से लेके 44,250, ठीक है, ये आपका बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये सारा जोन। तो मार्केट को ना ये सारे एरियाज़ को देखना पड़ेगा और जो आपका राउंड नंबर है वो यहाँ पर आता है 44,000 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन नहीं टूटा, मार्केट से नहीं तोड़ पाई, तो ये जोन टूटेगा और मार्केट नीचे चेक करेगी। तो यहाँ पर डरना नहीं है आपने, आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मार्केट ने वापस ऊपर जाना है तो मार्केट को इस जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ, मार्केट के दो ब्रैकेट बन चुके हैं इस टाइम पे, एक ब्रैकेट है ये ऊपर वाला और दूसरा है ये नीचे वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो उस ब्रैकेट के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। मैं जो ब्रैकेट की बातें करता हूँ, ये बेसिकली एक मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर हम रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो बीच का पार्ट होता है ना, वो मेक एंड ब्रेक का काम करता है, ठीक है ना, मेक एंड ब्रेक का काम करता है। अगर ये जोन निकला तो बाइंग आती है टिकने के बाद, और अगर ये जोन से क्रैक हुआ तो बेसिकली स्मार्ट ट्रेडर्स को हायर लेवल्स मिल जाते हैं शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश की आपको। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक बार, देखो मैंने आपको क्या एक चीज़ समझाई है, अगर मार्केट अपनी रेंज के अंदर वापस आती है, अगर मार्केट अपनी रेंज के अंदर वापस आती है, बाहर गई थी गैप अप के बाद, नीचे आई, यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बनाया, ऊपर गई, फेल हो गई, वापस रेंज के अंदर आ गई, ये एक नेगेटिव है मार्केट के लिए, ध्यान हमेशा रखिएगा ये चीज़। मैं इस चीज़ पे कब गलत प्रूव होऊंगा, जब मार्केट वापस इसके ऊपर ट्रेड करेगी, ठीक है। तो ये 44,150 से लेके ये 44,250 वाला जो जोन है ना, जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगी ना, तब अपने को पता चलेगा कि हाँ, और क्लोज देगी तब, तब अपने को ये प्रूव हो जाएगा कि अभी थोड़ा मार्केट नीचे है ना, बायर्स बैठे हुए हैं और वो बार बार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़े फॉल से भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो मौका ढूंढ रहे हैं बाइंग करने का, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपने इस तरीके से चार्ट को चेक करना है, तो पढ़ना ढंग से सीखिए चार्ट को, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी 50 पे, तो निफ्टी 50 के अंदर भी सेम कहानी है, बट अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पर ये जस्ट अपनी रेंज पे है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ट्रेड बना है, अगर यहाँ टॉप ले लेते हैं अपन और ये बॉटम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना 18,700, ये है अपना मेक एंड ब्रेक। सो बेसिकली अगर मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है और यहाँ से रिजेक्ट देती है, तो भैया ये है अपना सेल, सीधा साफ सा ये है, ये अपना सेल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है, दो तीन लास्ट की वीडियोज़ अगर आप देखोगे डेली एनालिसिस की, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो लास्ट के एक डेढ़ घंटे में जो एक्टिविटी देती है ना, अगले दिन भी ओपन, अगर भले ही गैप अप हो या कुछ और रिजेक्शन अगर हो रहा है, तो यही एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अगर हायर लेवल्स मिल गए तो वहाँ पर सेलिंग होगी, और अगर लोअर लेवल्स मिले तो वहाँ पर भी सेलिंग होगी। बाइंग तब होती है जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिजेक्शन हो जाए, ऐसे हैमर बनाए और फिर ऊपर जाए, टिके यहाँ से और फिर ऊपर निकले, तो ये चीज़ें चेंज होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स को समझो। अब देखो एक चीज़ और, मैंने आप लोगों को कल एक लेवल बताया था कि यहाँ पर ना 18,660 का एक लेवल है। अब मार्केट कहाँ क्लोज करा है, मार्केट ने 18 आपका 650 के पास क्लोज़ किया है। सो बेसिकली इस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है मार्केट। अब सीधा साहब ये है कि ये 660 से लेके 700
ये आपका अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आई है बड़ी बड़ी कैंडल, ध्यान दो यहाँ पर आई है बड़ी बड़ी कैंडल, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगी अनलेस एंटली एक बड़ा गैप अप हो जाए और हम लोग बेसिकली इसके ऊपर ट्रेड करें, तो गेम अलग होगी अपनी, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो भी गैप्स होंगे, अगर रेड कैंडल्स बनती हैं या रिजेक्शन होता है या कुछ होता है, तो भैया यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान करें, ठीक है, मार्केट के फ्लो के साथ चलें, क्लियर है। और एक चीज़ और, इसमें भी सेम लॉजिक चल रहा है, सेम लॉजिक क्या चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी अपनी, एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाया था, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन किया, ऊपर गई। अब जाहिर सी बात है जब ऊपर जा रही है तो थोड़ा बहुत टिक के जाना चाहिए ना इसको, या फिर चलो अगर मान लो करेक्शन होना ही है तो कितना करेक्शन होगा इसका, 50% के आसपास होगा। थोड़ा यहाँ पर मार्केट क्या करती है, या तो फ्लैग बनाती और फिर ऊपर निकलती, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर गई, पूरा रिवर्स वी बना दिया इसने, मतलब जितना कल मेहनत की थी वो सारी की सारी इरेज हो गई, उल्टा उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, ठीक है, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो फिर पॉइंट नहीं है उसका, क्लियर है। तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ हुई है कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर रिजेक्शन दिया, बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्शन आया, और प्रीवियस डे ये जो आपका लो था उसके आसपास ही बंद हुई है, ठीक है, तो बेसिकली रिजेक्शन ही है और इस रेंज के अंदर भी आ गए। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है यहाँ पर, मैं बोलूँगा अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पर आप अंधाधुंध सेलिंग कर दो, मार्केट में बिकवाली आ जाएगी, दिस एंड दैट, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, एक दो दिन चार दिन इस टाइप का हिसाब बता रहा हूँ कि अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो यहाँ पर आपका फॉल ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेक श्योर आप वो कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स की वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देता हूँ, सो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ती रहे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।